खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी, इसको आम लौंजी भी बोलते हैं। दो बड़े साइज के आम लिए हैं, आम लगभग ये 250 ग्राम है। सबसे पहले आम को छील लेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आम से छिकल हटा देंगे। दोनों आम को छील लिया है, अब आम को पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरीके से गुठली हटा देंगे। इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे। इस तरीके से आम को पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। आप अपने अनुसार आम किसी भी सेम में काट सकते हैं। चटनी बनाने के लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। सभी को अच्छे से भून लेंगे। मेथी, जीरा और सौंफ अच्छे से भुन गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी को भी भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए आम। आम को मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच स्वाद अनुसार नमक। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। आम में ऐड कर देंगे 1 कप पानी। चला देंगे। आम को सॉफ्ट होने तक ढककर पकने देंगे। आम को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि आम हर तरफ से अच्छे से पक जाए। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही आम को पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं आम को पकते हुए। आम को कट करके देखेंगे कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखिए आम आसानी से कट जा रहा है, यानी कि अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम गुड़। गुड़ को एकदम बारीक बारीक तोड़ लिया है। मिक्स करेंगे। गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ को अभी कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, अभी इसको थोड़ी देर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकते हुए। चाशनी को थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, इसको भी मिक्स कर देंगे। चटनी को 2 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ये चटनी ठंडी होगी तो चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी होगी। चटनी को कढ़ाई के बाहर निकाल लेंगे। चटनी को आप फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी या आम की लौंजी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।